नमस्कार, मैं अनिल शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स बाय पाठक सर में। 11th क्लास के स्टूडेंट्स अकाउंटेंसी में, जैसे आप जानते हो कि हम ऑलरेडी एक वीडियो डिस्कस कर चुके हैं स्पेशली सब्सिडरी बुक्स में, है ना। तो आज आपको पहली सब्सिडरी बुक सिखाऊंगा जिसका नाम है परचेज बुक कैसे बनेगी। इसका फॉर्मेट मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था और कहा था आप इसको याद कर लेंगे किस तरह से ये फॉर्मेट बनाना है। उम्मीद करता हूँ आपने वो याद कर लिया होगा और स्टार्ट करेंगे कि ये वीडियो, ये परचेज बुक जो है कैसे बनाई जाए। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 डीके गोयल बुक से है। सबसे पहली बात आपने देखना है कि वो व्यक्ति जो चीज खरीद रहा है, परचेज कर रहा है, वो क्या, ठीक है। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन द परचेज बुक ऑफ सुपीरियर क्लॉथ हाउस, यानी कि परचेज बुक ऑफ सुपीरियर क्लॉथ हाउस, इसका काम जो है वो कपड़े बेचने का, ठीक है, यानी कि कपड़ों का व्यापारी है। यदि ये कपड़े से अलावा कुछ और खरीदता है तो वो परचेज नहीं होगी, वो असेट होगी। अगर ये फर्नीचर खरीद ले मान लो, या बिल्डिंग खरीद ले, तो डेट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन परचेज, डेट विल बी असेट्स एज यू ऑल नो, ठीक है, क्योंकि जनरल में भी हमने ऐसा किया, ठीक है। और जब हमने सम बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर किया था वहां भी ये बात आपको बताई गई। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्लॉथ हाउस है और ये क्लॉथ हाउस जो है नई दिल्ली का है, न्यू दिल्ली, जगह भी याद रखे, कौन सी स्टेट है ये जरूरी याद रखे, क्योंकि यदि आउट ऑफ स्टेट सेल होती है तो IGST आपको देनी पड़ती। तो अप्रैल 4 2018 को क्या किया, कहता है परचेज फ्रॉम राधा कृष्णन एंड सन ऑफ दिल्ली वाइड इनवॉइस नंबर 305 100 मीटर कॉटन। देखो 100 मीटर कॉटन यहां आगे कंफर्म हुआ, हाँ कपड़ा ही खरीदा, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे नाम, जैसे कि यहां है राधा कृष्ण एंड सन्स, कहां के हैं, नई दिल्ली के, यानी कि जो सामान खरीदा जा रहा है वो दिल्ली से दिल्ली में ही खरीदा जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि CGST और SGST ही लगेंगे, IGST नहीं लगेंगे। क्या क्या खरीदा है, 100 मीटर कॉटन क्लॉथ, 100 मीटर कॉटन क्लॉथ एट द रेट 200 रुपीज पर मीटर, यानी कि कितना हो गया आपका 20,000 रुपए का MRP बन जाएगा 200 के हिसाब में। 80 मीटर वुलन क्लॉथ एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर, 80 मीटर वुलन क्लॉथ एट द रेट 500 रुपीज पर मीटर, ठीक है, यानी कि कितना हो गया यहां पर 40,000। वाइड इनवॉइस नंबर 305, इनवॉइस नंबर में यहां मेंशन कर देंगे 305। कहता है डिस्काउंट जो है, ट्रेड डिस्काउंट है वो 20% रहेगा, तो बिल्कुल आप 20% ट्रेड डिस्काउंट लगा सकते हैं, ठीक है। तो टोटल हो गया आपका 60,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, 20% ट्रेड डिस्काउंट है आपका, 60,000 का 20% निकालोगे ये आ जाएगा 12,000, माइनस करेंगे आ जाएगा 48,000 ट्रेड डिस्काउंट काट कर। याद रखना पहले डिस्काउंट काटेंगे फिर उसके बाद टैक्स लगाएंगे, GST लगाएंगे, पहले नहीं लगाएंगे, ठीक है बात। तो देखिए ऐड करेंगे टैक्स को, क्योंकि टैक्स से वैल्यू बढ़ जाएगी,
कितना टैक्स कहा उसने आपको 2.5% CGST और 2.5% SGST, 2.5% CGST और 2.5% SGST, ठीक है। अब इसको निकालेंगे 2.5 ऑफ 48,000, 48 × 96 और 24, ये आ जाएगा आपका 120, यानी कि 1200 रुपए CGST आ गई आपकी और 1200 रुपए क्या आ गया SGST। टोटल अमाउंट कितना आ गया अब यहाँ पर 48, 49 और 150, 50,400 रुपए। इस ट्रांजेक्शन का टोटल अमाउंट यहाँ लिखेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर कैसे लिखते जाना वो ध्यान दे, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते ही जो अमाउंट आपका आया ये वाला, वो तो लिखना परचेज में। आई CGST आपकी आई थी कितनी 1200, SGST भी आपकी कितनी आई 1200, IGST नहीं था। टोटल अमाउंट कितना हो गया 50,400, सिंपल, ठीक है बात। उसके बाद फिर कहता है 12 तारीख को परचेज फ्रॉम रघुवीर प्रसाद एंड कंपनी ऑफ कानपुर यूपी, कानपुर यूपी में है, ठीक है। इसने लिख भी दिया है अप्रैल, आपकी है 12 अप्रैल को है ये ट्रांजेक्शन, 12 अप्रैल को ट्रांजेक्शन की। उसने कहा परचेज फ्रॉम रघुवीर प्रसाद, तो यहां लिखेंगे अप्रैल 12 रघुवीर प्रसाद, रघुवीर प्रसाद कानपुर, कानपुर यूपी। अभी आपको एक बात समझ में आई कि माल कहां से खरीदा गया, यूपी से, जो कि आउट ऑफ स्टेट है, और जब आउट ऑफ स्टेट बिटवीन स्टेट जो ट्रांजेक्शन होती है वह IGST लगता, ठीक है। वहां क्या लगेगा, IGST लगेगा। क्या खरीदा गया, 50 मीटर सिल्क क्लॉथ, इनवॉइस नंबर थी यहां 240, 50 मीटर सिल्क क्लॉथ एट द रेट 600 पर मीटर, 600 पर मीटर, तो कितना आ गया यहां पर 600 × 5 3000, यानी कि 30,000। और 40 मीटर कॉटन क्लॉथ 250 रुपए पर मीटर, 40 मीटर कॉटन क्लॉथ 250 रुपए पर मीटर, यानी कि 25×100 10,000 रुपए का ये हो गया, 40,000 रुपए बन गया। इस पर कहता है ट्रेड डिस्काउंट है 10%, ट्रेड डिस्काउंट हो गया आपका 10%, माइनस कर देते हैं लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, 4,000 रुपए आ गया आपका 36,000। अभी क्योंकि माल न्यू दिल्ली से कहां खरीदा गया, सॉरी यूपी से दिल्ली में खरीदा गया है, तो IGST लगेगी, ऐड करते हैं उसको IGST दिया है तो अलग से अच्छी बात है, वरना 2.5% हम CGST ले रहे हैं, 2.5% SGST ले रहे हैं, दोनों कंबाइन करो 5% हो जाएगी, 5% 18,000 का 900, 36,000 का 5% आ जाएगा आपका 1800 रुपए, टोटल हो गया 37,800, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि परचेज में कौन सा लिखना है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो चीज आई 36,000, CGST नहीं था, SGST नहीं था, IGST था 1800, टोटल अमाउंट हो गया 37,800, सिंपल, ठीक है बात। उसके बाद ट्रांजेक्शन दी उसने आपको अप्रैल 20 की, कहता है परचेज फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर हाउस, ध्यान दे क्या खरीदा, फर्नीचर हाउस से फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर कपड़ा नहीं है, कपड़े की दुकान नहीं है, फर्नीचर उसने क्या किया अपने यहां पर बैठाने के लिए लोगों को, अपनी असेट खरीदी,
तो फर्नीचर को आप परचेज बुक में नहीं डाल सकते, ये एंट्री यहाँ नहीं होगी, इसको किया जाएगा जनरल फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू जिससे भी खरीदा है मॉडर्न फर्नीचर हाउस। ठीक है, एक तो ध्यान दें कि जो चीज वो बिजनेस करता है वही चीज खरीदे, और दूसरा अगर कैश खरीदता है तो वो कैश बुक में जाएगी, यहां पर नहीं आएगी। ठीक है, ये दोनों चीजें यहां पर विशेष ध्यान देने योग्य है। इस ट्रांजेक्शन को छोड़ देंगे, 25 अप्रैल की ट्रांजेक्शन दी है, फिर उसके बाद उसने अप्रैल 25 को कहता है हरिओम एंड सन्स ऑफ गुजरात, यानी कि अब की बार जो है गुजरात पहुंच गया वो माल खरीदने, गुजरात नई दिल्ली से गुजरात ट्रांजेक्शन हो रही है, ये भी IGST की है। क्या खरीदा है, इनवॉइस नंबर 390 पर है, उसने खरीदा है आपसे 100 मीटर वूलन क्लॉथ, 100 मीटर वूलन क्लॉथ एट द रेट 600 पर मीटर, यानी कि 60,000 रुपए की तो यही होगी आपकी, और ट्रेड डिस्काउंट का 15% और सेल चार्जेस है आपके यहां पर, उसने फ्रेट चार्जेस दिए हैं 3,000 रुपए। ध्यान दें इस बात पे, फ्रेट चार्जेस परचेज बुक में नहीं दिखाएंगे अकॉर्डिंग टू न्यू फॉर्मूला, जनरल में जाएंगे। ठीक है, परचेज बुक में सिर्फ परचेज बुक ही दिखाएंगे, क्योंकि फ्रेट पे भी IGST वगैरह देना पड़ता है, तो उसको यहां पर नहीं दिखा सकते। तो देखेंगे आगे, लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट, 15,690,000 रुपए माइनस करो 51 आ जाएगा, क्योंकि 15% क्या कहा गया था यहां पर, डिस्काउंट कहा गया 51,000 आ गया, 51,000 का IGST लगाना है, IGST 5% था, 51,000 का 5% IGST। ठीक है, 2 0 से 2 0 5 0 0 5 0 5 5 0 25, 2,550 रुपये आपका IGST ऐड कर देना है आपने, ये हो जाएगा आपका 53,550 रुपये। लिखेंगे कैसे, सिंपल ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते आया था 51,000, CGST नहीं है, SGST नहीं है, IGST है 2,550, और टोटल अमाउंट 53,550। सिंपल, अब क्या कर देना है लास्ट में, इनका टोटल कर देना है अप्रैल 30 को, टोटल इस कॉलम में तो होगा ना, डिटेल वाले में परचेज का टोटल करते हैं, हमने परचेज कितने का किया है, 51,36,48, 51,6,57,87,88,95,40, 135, 135,000 रुपए क्या आ गया आपका टोटल आ गया परचेज कॉलम का। इनपुट CGST 1200, इनपुट SGST 1200 और इनपुट IGST 1800 और 2500, 2500 और 3310, 4350 रुपए, 4,350। इसका टोटल 50, 37, 87 और 3, 90 और 50 से 41, 41,441,200 और 41,750, 141,750 रुपए टोटल इसका हो जाएगा। तो इस तरह से आपने परचेज बुक बनानी है। ठीक है, इसमें मेजर बात मैंने आपको जो बताई वो ये थी कि एक तो आपने ये देखना है कि जिस चीज में वो डील करता है वही चीज खरीदनी चाहिए, अगर कुछ और खरीदता है तो उसको नहीं लिखेंगे, और कैश खरीदता है तो भी नहीं लिखेंगे। तीसरी बात आपने ये देखनी है कि जो ट्रांजेक्शन हुई वो इंटरस्टेट हुई या आउट ऑफ इंटरस्टेट हुई है या विद इन स्टेट हुई, अगर विद इन स्टेट हुई तो CGST SGST, इंटरस्टेट हुई है तो IGST। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, परचेज बुक हो गई है आपकी, कल एक नई बुक करवाएंगे सेल्स बुक। ठीक है।
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।